साहो बाहुबली की तरह हिट फिल्म क्यों नहीं हो सकती? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। साहो ऐसी फिल्म जिसका बहुत ज्यादा हाइप था, एक्शन थ्रिलर फिल्म, बिग बजट फिल्म, बाहुबली प्रभास की फिल्म, क्या उम्मीदों पर खरी उतरी? नहीं। शॉर्ट में कहा जाए तो साहो इस साल की शायद सबसे ज्यादा निराश करने वाली फिल्म है। आज का लोग फिल्म बनाते कहाँ हैं, सिर्फ ट्रेलर बनाते हैं। साहो के मामले में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। क्या है कहानी? दरअसल ये सवाल आप पूरी फिल्म में खुद से पूछते ही रहते हैं, कोई सिर पैर पकड़ में नहीं आता। किस्सा ए मुख्तसर ये कि एक चोर है, एक पुलिस का अंडरकवर एजेंट है, दो तीन माफिया डॉन है और एक ब्लैक बॉक्स के लिए मची हुई छीना छपटी है। कौन किसकी तरफ है ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बीच बीच में ट्विस्ट का तड़का लगाकर मामले को रोचक करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन बात नहीं बनती। कुल मिलाकर आप ये समझ ही नहीं पाते कि ये रिवेंज ड्रामा है, हाई प्रोफाइल चोरी का प्लॉट है या चोर पुलिस का स्मार्ट खेल। कहानी बेहद कंफ्यूज करने वाली और बेतहाशा बिखरी हुई है, लेकिन खराब राइटिंग को भी कभी कभी एक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस संभाल ले जाती है, यहाँ वो भी नहीं होता। प्रभास समेत सब लोग बुझे बुझे से हैं। प्रभास का एंट्री सीन बढ़िया है, वो आसमानी उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन उसके बाद बिखरी हुई फिल्म उनका भी जलवा खराब कर देती है। श्रद्धा तो पूरी फिल्म में खोई खोई रहती है, उनका ओपनिंग सीन भी अच्छा है। वैसे मर्डर इन्वेस्टिगेशन करती हुई कॉन्फिडेंट पुलिस अफसर, जिसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, पूरी फिल्म में वो या तो उल्लू बनती हैं या हीरो के रहमो करम पर नजर आती हैं। क्या अच्छा है प्रभास का इंट्रोडक्टरी सीन, एकाध ट्विस्ट, थोड़ा सा एक्शन बस। क्लाइमेक्स से पहले का एक्शन टॉप क्वालिटी का है, लेकिन वो ज्यादा देर का खेल नहीं है। जिस कार चीज की सीन का बहुत ज्यादा हाइप था वो जरा भी थ्रिल पैदा नहीं करता। क्या खटकता है, बहुत हार्श ना भी हुआ जाए तो भी साहो एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी से ज्यादा कुछ नहीं। वही बेतुकी मारधार, ग्रेप्टी का मूंछ रहते स्टंट्स और किरदारों का इलॉजिकल कैरिकेचर, इसे भी चला लिया जाता है अगर फिल्म खुद को इंडियाज बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर ना कहती। अच्छी थ्रिलर फिल्म में लॉजिक की भयंकर कमी कैसे चलेगी भैया? इंटरवल से पहले एक बड़ा ट्विस्ट है फिल्म में, वो शॉक के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा तो है लेकिन लॉजिकल नहीं लगता। उसकी कोई व्याख्या भी नहीं दी गई है। आप अब तक देखी हुई फिल्म को दिमाग में घुमाते हैं तो सवाल ही सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है डायरेक्टर को कुछ स्टाइलिश सा बनाना था जो कि बना भी नहीं है। ऊपर से फिल्म भयानक लंबी है, लगता है एडिटिंग टेबल पर कुछ काम ही नहीं हुआ, और नहीं तो कुछ एक गाने भी काट ले देते। तो बेतुके तो हैं ही, ऐसी ऐसी अजीब जगह अचानक से आ जाते हैं कि आपका मन करता है उठ के भाग जाए। डायलॉग के डिपार्टमेंट में भी कंगाली ही है, हिंदी का एक बिकरा है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, फिल्म में एक पुलिस अफसर कहता है सारी मेहनत पानी में फेर दी तुमने, और इसी के साथ फिल्म की भैंस पानी में चली जाती है। प्रभास और श्रद्धा के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है, जबरन पैदा करने की कोशिश की गई है तो वो धूम 2 के ऐश्वर्या और ऋतिक की सस्ती कॉपी लगती है। चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश, मुरली शर्मा, सबका काम एक समान रूप में खराब है। यहां तक कि प्रकाश, बेलावादी जैसे कमाल के एक्टर भी बेस्ट हुए हैं। बजट नहीं पचाता फिल्म को, कहते हैं फिल्म में 350 करोड़ रुपए लगे हैं। इसी साल आई गेम ओवर महज 20 करोड़ में बनी थी और साहो से 20 गुना ज्यादा रोचक थ्रिलर थी। एक फिल्म पुराने डायरेक्टर सुजीत को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया था, उन्होंने मौका गंवाया ही है। ये पैसा, टैलेंट और स्टार पावर सबका वेस्टेज है। ऐसा पहले भी देखा गया है कि छोटे बजट में ठीक ठाक काम करने वाले डायरेक्टर से बड़ा प्रोजेक्ट संभाला ही नहीं। याद कीजिए तुम मिन जैसी स्वीट फिल्म बनाने वाले अनुभव सिन्हा, जब शाहरुख के साथ रावण लेकर आए तो क्या हंस हुआ था। कंप्यूटर ग्राफिक्स कुछ जगह अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े बजट के फिल्म में वो भी ना होते तो लानत थी। 2 साल के लंबे गैप के बाद प्रभास को देखना चाहते हैं तो जाइए, वरना और तो कोई वजह ही नहीं है। साहो सह सको तो सहो, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस करती है।